हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट पैक। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है एसीसी का टेबल फैन रिपेयरिंग करने का। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं इस टेबल फैन को आपको इजीली रिपेयर करके दिखाऊंगा। और इसमें जो है जाम है और होमिंग हो रही है और बहुत सारी प्रॉब्लम है और जाम है। और ये जो कस्टमर है तेल डाल के इस पंखा को बहुत ही ज़्यादा जाम कर चुका है, जिस कारण से ये पंखा सही से चल नहीं रही है। कोयल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोयल वाली प्रॉब्लम वीडियो में बना दूंगा रिपेयर करने का। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम है जाम वाली, तो जाम वाली प्रॉब्लम को इजीली आप कैसे सॉल्व करेंगे और किन किन चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, आज इस वीडियो में पूरा आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड, जो इस चैनल पर न्यू है और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को रेड बटन को दबा के, सब्सक्राइब वाली बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो सबसे पहले आप देख पाएंगे। और बेल आइकन को दबा देंगे तो नोटिफिकेशन हमारा वीडियो को सबसे पहले आपको मिल जाएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, इससे टेबल फैन को ओपन करते हैं, खोलते हैं, उसके बाद में आपको दिखाते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे निकल चुका है हमारा लगभग मटेरियल। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बहुत ही कचरा हो चुका है, ये जो भी है बहुत ही कचरा है। मोबिल उबिल डाल के कस्टमर ने इसका धजिया उड़ा चुका है। तो ऐसा आपके साथ भी प्रॉब्लम हुआ हो और आपके घर में भी ऐसा कोई ना कोई किया ही हो, आप भी किए हो कभी ना कभी, तो ये प्रॉब्लम ये बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है, जिस कारण से कि गर्मी में झेलने की वजह से मोबाइल डाल के 5 मिनट 10 मिनट चलते रहा है, तो ज़बरदस्ती चलाने वाली बात हो गई फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा, इससे आपका पंखा जल्दी ख़राब नहीं होगी। एक बार आप ऐसा कर लोगे तो साल भर तक आपका ख़राब नहीं होगी। साल के भर के बाद हर साल आपको सर्विसिंग करना ज़रूरी है पंखा को, नहीं तो आपका ये वाली प्रॉब्लम होती रहेगी और आपका जो है कोयल भी जल सकती है फ्रेंड। यहाँ पे हमारा कोयल नहीं जला है, एक कस्टमर ने पहले ही लिखाया और इसका ओरिजिनल कोयल है बोल के कोई दिक्कत नहीं आई फ्रेंड। यहाँ पे बहुत सारे कचरा जम चुका है, तो सारे चीज़ को साफ कर लेंगे। यहाँ पे कनेक्शन मैंने कोई चेंज नहीं करूँगा फ्रेंड, जैसा आपका कनेक्शन जुड़ा होगा वैसे सेम कनेक्शन रहने दीजिएगा। तो कनेक्शन के बारे में हम इस वीडियो में नहीं बात करेंगे। हम यहाँ पर सिंपल, मैंने दो दो कनेक्शन ये सब है सिंपल, मैं अपना कनेक्शन के लिए इसको एक किया था चेक करने के लिए कोयल और कैपेसिटर लगा के, जो भी कैपेसिटर लगी हुई इसमें फ्रेंड सिंपल सा। तो मैंने सिर्फ चेक किया था कि पंखा घूम रही है कि नहीं, किस कंडीशन में है और कोयल सही है कि नहीं। तो देखिए पंखा घूमने का कोशिश कर रही है, देख रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम है शाफ्ट बूस और सर्विसिंग की। साफ्ट बूस चेंज करके भी ठीक कर सकते हैं फ्रेंड, नहीं चेंज करने से भी ठीक कर सकते हैं, साफ करके भी लगा देंगे, लेकिन मेन चीज़ क्या है उस चीज़ को लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाएंगे तो आपका पंखा सही नहीं होगा फ्रेंड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका साफ्ट चेंज कर दिया, बूस चेंज कर दिया, उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें उसको चेंज कर दिया और उसके बाद इसका प्रॉब्लम सॉल्व मैंने कर लिया। तो अधिकतर चेंज नहीं करना पड़ता है, लेकिन हम लोग चेंज कर देते हैं अच्छा के लिए। लेकिन चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बिना चेंज किए भी ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, वो भी प्रॉब्लम आपका पंखा का नहीं करेगा, लेकिन चेंज कर दीजिएगा तो आपका पंखा साल भर से ऊपर चलती है फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे एक काटी की मदद से छोटा सा, नहीं पहले पीछे वाले निकाल लेते हैं, नहीं तो टूट जाएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, पीछे वाले निकाल लिया और यहाँ पर फ्रेंड अब इसको काटे की मदद से यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये जो पिन है पत्ती वाली पिन, थोड़ा सा ये करते हैं और अब मैं इसको ठोकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा ठोकने से ही आपका जो है पिन निकल जाएगी, बहुत ही थोड़ा सा कड़ा था, तो पिन हमारा निकल चुका है फ्रेंड। और चलिए फ्रेंड, ये रोटर को भी निकाल लेते हैं, बहुत ही जाम है, कंडीशन प्रॉब्लम है फ्रेंड। और अब यहाँ पे एक बूस लगी फ्रेंड, जिसमें देखिए बहुत ही कचड़ी जमी हुई है, इस कचड़े को साफ करना है फ्रेंड। उसके बाद ही कचड़े को साफ करने के बाद यहाँ पे सारे चीज़ को ये करनी है, उसके बाद ही आपका जो काम बनेगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, हम मैंने यहाँ पे पेपर ले लिया हूँ, ये हमारे पास थिनर है और आपके पास मैं तो मट्टी तेल की मदद से या पेट्रोल की मदद से हम यहाँ पे साफ़ कर सकते हैं। हमारे पास थिनर था, क्लीनर है, जिससे मैं यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ।
तो आप इसमें पेट्रोल की मदद से भी क्लीन कर सकते हैं, आप मट्टी तेल की मदद से भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए मैं इसको क्लीन कर लेते हैं, और यहाँ पे फ्रेंड न्यू शाफ्ट लगाएंगे। ये वाली शाफ्ट है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो न्यू शाफ्ट लगा देनी है। तो हमारा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी मैंने यहाँ पे न्यू शाफ्ट चेंज किया हूँ आपको दिखाने के लिए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे ये वाली न्यू शाफ्ट आपको लगा के दिखाते हैं। अगर आपको शाफ्ट नहीं मिल रही मार्केट में तो आप हमसे भी ले सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी, या पैसा पहले भी पेड करके मैं आपको ये सामान भिजवा सकता हूँ फ्रेंड। तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन है, व्हाट्सएप में जाकर मैसेज करें और जिस चीज़ को आपको चाहिए उस चीज़ का फ़ोटो सेंड करें। होगा तो मैं भेज दूंगा, और नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। तो चलिए फ्रेंड इसको कुछ इस तरीके से ठोक के निकाल लेंगे। ये कुछ टूल्स है फ्रेंड, अगर आपको टूल्स चाहिए तो टूल्स भी मैं भिजवा सकता हूँ जिससे कि इजीली यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड इसको निकालते हैं। तो टूल्स होना बहुत ही ज़रूरी है, और हमारे पास भी बहुत सारा टूल्स नहीं है। मैं एक टूल्स को और बनाऊंगा जिससे टूल से आसानी तरीके से पंखा को खोल सकते हैं, फिलहाल हमारे पास वैसा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे शाफ्ट को खोल लिया, और इस शाफ्ट को इसमें लगाएंगे। शाफ्ट को लगाने से पहले ध्यान रखेंगे, सिंपल सा अगर ठोक देते हैं तो किसी किसी में लग जाती है, किसी किसी में नहीं लगती। तो क्यों नहीं लगती है उसका भी रीज़न इस वीडियो में आपको बताते हैं फ्रेंड। मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश किया लेकिन जा नहीं रही है, आधा गई आधा नहीं गई। तो देखिए फ्रेंड मैंने तो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं जा रही है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ करेंगे, शाफ्ट को फिर से खोलेंगे, खुल जाएगा आपको बैक तरफ से मारने से। मैंने तो बहुत ही ज़्यादा ये कर लिया हूँ फ्रेंड, अब तो हो ही नहीं रही है। अब तो मुझे शाफ्ट को खोल के एक नया ट्रिक लगाना होगा फ्रेंड। तो चलिए शाफ्ट को खोल लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैंने खोल लिया, और यहाँ पे एक करेंगे फाइल की मदद से यहाँ पर जो खत बनी हुई है थोड़ा थोड़ा घिस देंगे। घिसने के बाद इजीली लगाएंगे, लग जाएगा, ज़्यादा घिसना नहीं है नहीं तो ढीला लगेगी फ्रेंड। तो थोड़ा सा घिसना है और उसके बाद इसको लगा देनी है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पर लगा लेते हैं, और कुछ इस तरीके से लग जाएगी फ्रेंड। तो मैंने ठोक ठोक के थोड़ा सा बहुत ही कोशिश किया, और हमारा जो है लग चुका है। थोड़ा सा लकड़ी हैवी लेना होगा फ्रेंड, हमारे पास नहीं था। मुझे भी लकड़ी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हमने बुश को खोल लिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड यहाँ से हम बूस को खोल लेते हैं फ्रेंड, और बूस में देखते हैं क्या क्या लगे हुए हैं। और इसमें जो है बहुत सारी ये है, क्या बोलते हैं उसको, कचड़ी चीज़ मोबाइल डालने वाली जो है वो बहुत ही कचड़ी हो चुका है, मतलब कचड़ा। तो चलिए मैं आपको दिखाते हैं, ये छोटा छोटा चीज़ इसमें लगी हुई रहती है फ्रेंड, इसको लगा लीजिएगा और मैं आपको दिखाते हैं क्या जो प्रॉब्लम है। ये बूस है, बूस के अंदर देखिए कितना कचड़ा और बहुत ही काला हो चुका है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हमने बुश को खोल लिया हूँ। तो चलिए फ्रेंड यहाँ से हम बुश को खोल लेते हैं फ्रेंड, और बुश में देखते हैं क्या क्या लगे हुए हैं। और इसमें जो है बहुत सारी ये है, क्या बोलते हैं उसको, कचड़ी चीज़ मोबाइल डालने वाली जो है वो बहुत ही कचड़ी हो चुका है, मतलब कचड़ा। तो चक्का ज़रूरत पड़ेगा, आपको बताते हैं फ्रेंड। तो ये मैंने एक ठो ले लिया, और बुश यहाँ पे निकाल लेते हैं। बूस हमारे पास दो ठो है, ये थोड़े से लोटा साइज में बूस है फ्रेंड, और मैं यहाँ पे सिंपल वाली बूस लगा रहा हूँ। मेरे पास लोटा साइज की बूस नहीं है, तो सिंपल भी यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इस रोटर में, इस शाफ्ट में लगनी चाहिए। ये देखिए शाफ्ट में लग जा रही है, कोई कोई नहीं लगती फ्रेंड, तो दिक्कत होती है, लेकिन इसमें लग रही है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इस क्या बोलते हैं रुई को लगाने के लिए, यहाँ पर रुई में, रुई को मोबिल में पूरा डुबा के लगाना होगा फ्रेंड, अन्य तो रुई में पूरा मोबिल डालना होगा फ्रेंड, ताकि इसमें मोबिल रहेगी तो बाद में जिसमें चलते चलते पंखे की कमी, मोबिल की कमी होगी तो इसको मोबिल के उपलब्ध हो जाएगी बूस को फ्रेंड, और पंखा आपका जो हीट होगा वो
बूस उसको ठंडा करती है फ्रेंड, जिस कारण से आपका जो पंखा जल्दी ख़राब नहीं होगी फ्रेंड। तो ये ठंडा करने के लिए और मोबिल की कमी को पूरा करने के लिए रुई में मोबिल डाल के दिया जाता है फ्रेंड। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे फ्रेंड, ताकि आपका जो पंखा लास्टिंग ज़्यादा दिनों तक करे। कंपनी वाला भी इसमें एक ओरिजिनल वाली मोबिल डाल के देती है। तो ये मोबिल आपको बाइक के गैरेज वाली दुकान में 10 रुपये करके मिल जाएगी, वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर कहीं नहीं मिल रही है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड, मैं आपको यहाँ से भिजवा दूँगा। बट मेरा जो कॉस्ट है थोड़ा सा, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए फ्रेंड, तो जिस हिसाब से आपको थोड़ा सा कॉस्ट पड़ सकता है फ्रेंड, नहीं तो आप गैरेज में जाके आप अपना ख़रीद सकते हैं फ्रेंड। 10 रुपये करके आपको गैरेज में मिल जाएगा फ्रेंड, 10 वाली मोबिल बोलने से ही। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सारे बुश को लगा लिया हूँ और एक और बुश को खोल रहे हैं फ्रेंड, जिसमें भी इसको लगाना है। तो चलिए खोल लेते हैं और इसका भी आपको हालत दिखाते हैं फ्रेंड, कैसा हालत हो चुका है इसका भी। बहुत ही दर्दनाक और ख़तरनाक हालत हो चुका है फ्रेंड, जिसके कारण से यहाँ पे पंखे की प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलिए फ्रेंड, ये दो सिस्टम में ये सिस्टम को इजीली निकालेंगे, ताकि आपको लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और चलिए मैं इसको भी निकाल लेते हैं फ्रेंड। बहुत ही जाम हो चुका है फ्रेंड, इतना दर्दनाक कंडीशन में क्या करेंगे, चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको निकाल के हटा देते हैं, यहाँ पे न्यू रुई को लेते हैं, रुई में मोबिल डालते हैं, अच्छी वाली नई मोबिल डालेंगे फ्रेंड, 10-30, नहीं तो बहुत ही पतली वाली मोबिल इसमें डाला जाता है। मैं तो सबसे अच्छा सस्ता सुविधा आपको बता रहा हूँ, 10 रुपये वाला मोबिल लेकर आओ, बहुत ही पतली होती है और बहुत ही कमाल की है फ्रेंड। मैं अभी तक यूज किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई पंखे में, साल भर तो कस्टमर का चल ही जाता है साल भर के बाद। तो हमारा दुकान है तो फ्रेंड आना तो चाहिए, किसी किसी का इससे भी ज़्यादा लास्टिंग कर जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड इसको लगा लेते हैं, एक छोटी सी मोबिल, छोटी सी ये बूस है फ्रेंड, इस बूस को भी लगा लेते हैं और इसके बाद इसको लगा के और यहाँ पे टाइट कर देते हैं फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने टाइट कर ले रहा हूँ और इसको इजीली लगा ले। मैं साफ साफ आपको दिखा रहा हूँ, ताकि वीडियो को फास्ट ज़्यादा नहीं किया हूँ, आपको साफ साफ समझ में आ जाए और आप इजीली इसको चेंज कर पाए फ्रेंड। कोयल के तार में ध्यान रखें फ्रेंड, कोयल का तार एक भी नहीं टूटना चाहिए, ध्यान रखते हुए काम करनी है फ्रेंड, नहीं तो आपका कोयल का तार टूट जाएगी तो आपका जो प्रॉब्लम और ही ज़्यादा बढ़ जाएगी फ्रेंड, और आप जो है पंखा को बनाने के वजह ज़्यादा खर्चीला बना देंगे फ्रेंड, कम खर्चा की जगह हम ज़्यादा खर्चीला बना देंगे। तो ऐसा ना करें, ध्यान में रखें ताकि आपका जो कोयल का तार ना टूटे। और अक्सर रिपेयरिंग करने में अक्सर फ्रेंड मैं जो बता रहा हूँ, अक्सर ऐसा होता है कोयल का तार टूट जाती है फ्रेंड, मेरे साथ भी और मुझे भी बहुत ही मेहनत करना पड़ जाता है कभी कभी, लेकिन ब्रांडेड पंखा में ऐसा जल्दी से नहीं होता फ्रेंड, लेकिन लोकल पंखा में ज़्यादातर होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं वाशर लगा रहा हूँ, ये वाशर लगाना ज़रूरी है, जिस हिसाब से गैप यहाँ पे फील हो जाए और गैप ज़्यादा रहने से कोई दिक्कत होगा फ्रेंड। तो यहाँ पे वाशर अपने अनुसार वाशर को लगा सकते हैं फ्रेंड, तो मैं अपने अनुसार यहाँ पे वाशर लगा लियो, जितना था उतना ही रहने देंगे पहले पंखा में, आने तो अलग से भी आप वाशर को लगा सकते हैं फ्रेंड। अगर वाशर भी चाहिए तो मैं वाशर भी भेज सकता हूँ फ्रेंड। तो जो भी मटेरियल है जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सारी चीज़ आपको उपलब्ध हो जाएगी फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड अब इसको लगा लेते हैं और इजीली यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं फ्रेंड। मोबाइल थोड़ा सा दे देते हैं फ्रेंड सॉफ्ट में अंदर वाली, ताकि अभी तो कुछ कमी ना आए, बाद में जब कमी आएगी तो रुई में जो डाले हैं उस मोबिल से ही पंखे काम चला लेगी। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जो इस चैनल पे न्यू है फ्रेंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहती है। और हमारा एक न्यू चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो को आप देख पाएंगे। फिलहाल हमारा जो है न्यू चैनल है, तो जाइए फ्रेंड लॉजिक सर्किट को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा सर्किट पैक, वो हमारा लॉजिक सर्किट, दोनों है सर्किट। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे लगा लिया हूँ और नट को भी लगा लेते हैं।
और इजीली इसको सेट कर लेंगे। थोड़ा सा ठोकना पड़ेगा ही, ज़्यादा नहीं ठोकेंगे, अगर ज़्यादा ठोक दिए तो आपका जो पंखा है टूट सकती है। तो चलिए यहाँ पर दो नट को लगा लेते हैं फिलहाल। चलिए फ्रेंड, हमने दो नट को लगा ले रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मैंने दो नट को लगा लिया हूँ और इसको आप यहाँ पे ठोक ठोक के थोड़ा सा फ्री करेंगे फ्रेंड, क्योंकि अक्सर ये फ्री नहीं होती है, जाम है थोड़ा सा फ्रेंड। तो ऐसा जाम होता है फ्रेंड साफ्ट लगाने में, अगर टेढ़ा हो जाएगा तो बहुत ही जाम होगा, लेकिन टेढ़ा नहीं हुआ मेरा, फिर भी जाम होता है फ्रेंड। थोड़ा सा ठोक ठोक के इसको ये करना होगा। और देखिए फ्रेंड, गैप थोड़ा सा है, वही वाशर लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन नहीं लगाने से चलेगा, ज़्यादा गैप नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, इसको नट बोल्ट को लगा लेते हैं, टाइट कर लेते हैं चारों को चारों, उसके बाद में आपको दिखाते हैं करके फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मैंने चारों का चारों नट लगा लिया हूँ और पंखा देखिए फ्रेंड लगभग बहुत ही फ्री हो चुका है। थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो ठोक ठोक के थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड, एडजस्ट हो चुका है। किसी किसी पंखा में आपको झिला देगा फ्रेंड, कितना भी ठोकिए आपका ठीक नहीं होगा, तो ऐसा भी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठोकने से ही होता है, लेकिन जगह जगह पे। तो देखिए फ्रेंड, हमारा सही हो चुका है और मैं इसको चला रहा हूँ और घूम रही है रोटर फ्रेंड, बड़ी मस्त क्वालिटी में बहुत ही। और सीरीज लाइन में आप चेक करेंगे फ्रेंड, सीरीज लाइन क्या है, सीरीज लाइन के बारे में आपको वीडियो एक तो बना दूंगा, श्रेष्ठ स्लैम के बारे में आप श्रेष्ठ स्लैम एक बना लीजिएगा, और एक वीडियो मेरा पहले भी बना हुआ, फिर भी मैं एक वीडियो में आपके लिए अच्छी तरीके से बना दूंगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे सारे सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, जो जो मैंने ओपन किया था फ्रेंड, सारी चीज़ को लगा लेते हैं। लग चुका है पंखा, देखिए मेरा फ्रेंड बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। तो ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, लाइक एंड कमेंट, और जो चैनल पर न्यू है फ्रेंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहती है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो साथ में मिलते हैं फ्रेंड।